हेलो फ्रेंड्स, सारा कुकर्स में मेशबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम केरला कढ़ी बना रहे हैं जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पर एक केरला स्टाइल कढ़ी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने इस पैन में 1 टेबल स्पून जितना तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल को थोड़ा गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें 1 टीस्पून राई डाल रही हूँ, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी सीड्स डाल रही हूँ, हल्का सा पका लेंगे इसे भी, 2 लाल मिर्चें डाल रही हूँ, 8-10 कड़ी पत्ते भी डाल रही हूँ मैं इसमें। ये 2 हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके रखा है, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से चॉप करके रखा है, इसे भी इसमें डाल दूंगी। अभी हम इसे 1-2 मिनट तक भून लेंगे। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ ताकि ये प्याज भी जल्दी से पक जाए। थोड़ा सा एक कटा हुआ लहसुन भी डाल रही हूँ, लहसुन डालना रह गया था मेरा, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। प्याज को मैंने 1-2 मिनट तक भून लिया है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। अभी मैं इसमें 2 कप दही है, इसे मैंने विस्क से फेंट के रखा है, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम को हमें इस वक्त लो ही रखना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, फ्लेम को लो ही रखेंगे। अगर आप फ्लेम बढ़ाओगे तो ये दही फट जाएगा। और अगर आपको भी एक कढ़ी बनाते समय दही फटने का डर है तो यहाँ से आगे की प्रोसीजर आप फ्लेम ऑफ रख के भी कर सकते हो। अभी मैं इसमें 2 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ, पर चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, केरला कढ़ी में चीनी नहीं पड़ती है। सबसे आखिर में थोड़ा सा एक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छे से मिलाते हुए इसे मैं सिर्फ दही के हल्का गर्म होने तक पका रही हूँ। इसे हमें इसी तरह से कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। अगर आप इसे स्टर करना बंद कर दोगे तो ये दही फट जाएगा। इसमें हमें बॉईल भी आने नहीं देना है, बस हल्का दही गर्म होने तक ही इसे हमें पकाना है। ये हमारी केरला स्टाइल कढ़ी बनके तैयार है। अभी मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। अभी मैं इसे इस बाउल में निकाल रही हूँ। अभी आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुक हाउस के नाम से पेज बनाया है, तो उसे भी प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है ये कढ़ी, इसे आप चपाती, रोटी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो। इसे मैंने 1 कढ़ी पत्ते से गार्निश किया है, ये तैयार है। तो हमारी ये बहुत ही टेस्टी केरला स्टाइल कढ़ी बनके तैयार है, तो आप भी इसे जरूर बनाइए। और ज्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakukhouse.com। और अभी आप हफ्ते में 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 रेसिपीज देख पाएंगे। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।